हेलो गाइज, आज की रेसिपी में हम ऐसा पाउडर तैयार करने वाले हैं जिसको आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोक करके रख सकते हैं और ये पाउडर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और यूज़फुल रहने वाला है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी थकावट रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, कोई भी थकावट रहती है, तो हर प्रकार की थकावट को दूर करने के लिए आज का जो पाउडर है वो बहुत ही यूज़फुल और बड़ा ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इस पाउडर का किस प्रकार से सेवन करना है, कितनी मात्रा में इसको लेना है और किस चीज़ के साथ आपने इसको लेना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो का फ़ायदा उठाइएगा। तो गाइज, इस पाउडर को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं और खरबूजे के बीज लिए हैं। इसको हम मगज भी बोलते हैं, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और भुने हुए चने मैंने लिए हैं और मिश्री का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मिश्री को अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिएगा, जो मखाने हैं इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो मगज है, जो खरबूजे के बीज है, इसकी तासीर ठंडी होती है जो गर्मियों में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है, और भुने हुए चनों से भी हमें अनेक पोषक तत्व पदार्थ मिलते हैं। तो आइए अब हम इस पाउडर को तैयार करते हैं और पाउडर को तैयार करके कैसे हमने इसका सेवन करना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस पाउडर को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है। फिर इसमें हमने मखानों को हल्का हल्का 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। जो मखाने होते हैं इसमें अनेक तरह के पोषक तत्व होते हैं और आज की जो रेसिपी है, आज का जो पाउडर है, वो बहुत ही यूज़फुल और बड़ा ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी थकावट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी हो, इस पाउडर का सेवन करने से हर प्रकार की थकावट, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हर प्रकार के दर्द में राहत मिलती है। तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए मखानों को अच्छे से भून लेना है। मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत ही ताकत का काम करते हैं और इस पाउडर में हम जितनी भी चीज़ें मिला रही हैं वो सभी शरीर में कमजोरी को दूर करती हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हैं। तो ये पाउडर आज का बड़ा ही यूज़फुल और बड़ा ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने मखानों को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। और मखानों को भूनने के बाद इनको हमने ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं। देखिए, जो हमारे मखाने हैं वो भून चुके हैं। घी अगर आप लेना चाहें तो वो आप पर डिपेंड करता है, वरना आप बिना घी के भी इनको भून सकते हैं। मखाने यहाँ पर तैयार हो चुके हैं भूनकर। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। मखाने भूनने के बाद हमने चनों को भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने जो छिलके वाले चने हैं उनको छिलके सहित लिया है, हमने छिलका नहीं उतारना है। छिलके के सहित इनको भूनना है। जो चने होते हैं इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, बहुत अधिक होती है। अगर हमारे शरीर में कब्ज रहती है या थकान रहती है, किसी भी प्रकार की कब्ज को दूर करने में चने जो होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमने इनको 1-2 मिनट के लिए बिना घी के भून लेना है अच्छे प्रकार से। चने में जो प्रोटीन और आयरन की मात्रा होती है वो भरपूर मात्रा होती है। अगर हमने हमारे शरीर में प्रोटीन और आयरन की कमी को दूर करना है तो हमें चनों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और इस पाउडर में भी हम चने को मिक्स कर रहे हैं। तो हमने
चनों को सिर्फ एक या दो मिनट के लिए भून लेना है, क्योंकि चने हैं जो वो पहले से भुने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये भुन चुके हैं, क्योंकि पहले से ही हमने भुने हुए चने लिए हैं, छिलके समेत हमने इनको लिया है, छिलका हमने इनका नहीं उतारा है। तो इनको भी हमने एक बर्तन में ठंडा करने के लिए निकाल लेना है। पाउडर के लिए जो हमारी सारी चीज़ें थी वो भून कर तैयार हो चुकी है। मिश्री मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब मैं इसमें कुछ इलायची मिक्स करूँगी, क्योंकि इलायची की जो तासीर होती है वो भी ठंडी होती है। और जो हमारे खरबूजे के बीज थे, मग्स थे, उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें जितने भी चीज़ें हमने ली हैं सभी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो हमारे चने हैं उनमें भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। जो मिश्री है और खरबूजे के बीज है, मग्ज़ है, ये भी गर्मी में ठंडक का काम करते हैं। जैसे गर्मियों का टाइम चला हुआ है तो जो मिश्री है वो भी ठंडी रहती है, और जो मग्ज़ है, जो खरबूजे के बीज है, इनकी तासीर भी ठंडी होती है। इसलिए मैंने इस पाउडर में इनको ऐड किया है। और चनों में मैंने आपको बताया कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, आयरन होता है। हमारे शरीर में आयरन की कमी को, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हम चनों का सेवन करते हैं। अगर हम इनको वैसे भी खाते हैं बिना पाउडर के भी, तो भी हमारे शरीर में प्रोटीन और आयरन की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है। तो यहाँ पर हम मैंने जिन चीज़ों को भूनना था उनको भून लिया है, और इसमें मैंने मिश्री ऐड की है और इलायची और मग्ज़ आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं, कहीं भी आपको शॉप पर मिल जाएंगे आसानी से। हमने बिना छिलके के मग्ज़ लेने हैं, खरबूजे के बीज लेने हैं, और फिर हमने इन सारी चीज़ों को पीस लेना है और इसका हमने पाउडर तैयार कर लेना है। और फिर आपको मैं बताऊंगी कि उस पाउडर का आपने सेवन किस प्रकार से करना है। मेरा जो पाउडर है वो बनकर तैयार हो गया है। मैंने सभी चीज़ों को एक जार में पीस लिया है। आपने ध्यान करना है कि आप जिस भी बॉक्स में इसको स्टोर करके रख रहे हैं वो बॉक्स गीला ना हो। आपने इसके अंदर गीले चम्मच का प्रयोग नहीं करना है। आपने इसका सेवन किस तरह से करना है, आपने इस सुबह अगर आप मॉर्निंग में इसका सेवन कर रहे हैं तो एक गिलास दूध के साथ आप एक चम्मच पाउडर यूज कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप एक गिलास दूध के साथ आधा चम्मच बच्चों को दे सकते हैं। आप इसको बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और आप स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पाउडर बहुत ही फायदेमंद रहता है। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी थकावट है, कमजोरी है, जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, हर प्रकार के दर्द को दूर करने में ये पाउडर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। एक बार इस पाउडर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और इसका रिजल्ट देखिएगा आपको कितना फ़ायदा इसका जो रिजल्ट है आपको देता है। और शरीर में हर प्रकार की थकावट, हर प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए ये पाउडर बहुत ही यूज़फुल है। तो एक बार इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई रेसिपी के साथ। तब तक सभी को बाय।